और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर बता दी, बीएसपी ने फूलपुर से घोषित किया प्रत्याशी, शिवबरन पारसी होंगे बीएसपी के प्रत्याशी। फूलपुर में भी मायावती ने दलित कार्ड खेला है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक और बार समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी की घोषणा की है। फूलपुर से भी यहाँ पर देखिए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, प्रत्याशी की घोषणा फूलपुर सीट को लेकर के बीएसपी ने कर दी है और साफ तौर पर यहाँ पर शिवबरन पारसी बीएसपी के प्रत्याशी फूलपुर सीट पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दलित कार्ड एक बार फिर से खेला है मायावती ने। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गुफरान, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से दलित कार्ड मायावती ने खेल दिया है फूलपुर में प्रत्याशी की घोषणा के साथ। फूलपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया है शिवबरन पारसी, जो है कैडर के बीएसपी के नेता हैं और उनको आज जो औपचारिक तौर पर प्रत्याशी बनाए जाने का जो ऐलान है वो बीएसपी की तरफ से कर दिया गया है। उपचुनाव होगा, उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे और पहले सबसे पहले जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो बीएसपी ने फूलपुर में घोषित की है। इससे पहले उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया था, प्रभाव के तौर पर वो काम कर रहे थे और आज औपचारिक तौर पर उनके नाम का जो ऐलान है वो बीएसपी ने कर दिया है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें तमाम दल जरूर होते हैं, लेकिन बीएसपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो की है। ठीक है गुफरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।